हेलो दोस्तों, आज का यह टॉपिक हीमोफीलिया पर है। आज हम आपको लिंग संलग्न रोग हीमोफीलिया के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको हीमोफीलिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रकार की जानकारी दी जाएगी। तो हीमोफीलिया को समझने के लिए हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं वीडियो में कि वास्तव में हीमोफीलिया होता क्या है। देखिए, सामान्य रक्ताणु की बात की जाए तो सामान्य चोट लगने पर रक्ताणु जब स्रावित होते हैं तो उन्हें रक्त का थक्का बनने में 1 से 3 मिनट का टाइम लगता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग है तो ऐसे व्यक्ति में चोट लगने पर हीमोफीलिया है खून तो रक्त का थक्का बंद हो जाता है। 24 घंटे शरीर का समय लग जाता है तो खून में टाइम तक रक्त बनाने के लिए है। जो एक स्थिति ऐसी आती है मौजूद की ब्लड लीची से मिलकर उसे गाढ़ा कर देते हैं, जिससे खून का ऐसे स्थिति में अपने आप रुक जाता है, हो जाती है। तो जानते हैं तो जब शरीर से हीमोफीलिया खून क्या है। देखिए, हीमोफीलिया एक प्रकार की अनुवंशिक बीमारी होती है के नाम से जाना जाता है, जो कि एक घातक और जानलेवा अनुवंशिक बीमारी होती है जो प्रत्येक स्थिति में जीवों के लिए हानिकारक होती है। तो चलिए देखते हैं, जो कि मनुष्य का लिंग सूत्र फीमेल में डबल एक्स तथा मेल में एक्स वाई होता है, और जो लिंग से अलग्न रोग होते हैं उसके जो जीन होते हैं वो हमेशा एक ही एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। चूँकि पुरुष हमेशा इस रोग के वाहक होते हैं, क्योंकि पुरुषों में केवल एक एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, और जब इस एक्स गुणसूत्र पर हीमोफीलिया के वाहक जीन अनुपस्थित होते हैं तो उस व्यक्ति को कोई हीमोफीलिक रोग या कोई भी लिंग संलग्न रोग नहीं होता। लेकिन जब उस पुरुष में उस एक्स गुणसूत्र में हीमोफीलिया के या लिंग संलग्न रोगों के जीन पाए जाते हैं तब ऐसे व्यक्ति उस लिंग संलग्न रोग से ग्रसित होते हैं, अर्थात वह पुरुष रोगी होता है। परंतु महिलाओं में 2 XX गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र के रूप में होते हैं, और जब इनमें से एक एक्स गुणसूत्र पर लिंग संलग्न रोगों के जीन पाए जाते हैं तब ऐसी स्थिति में महिला वाहक होती है, और जब दोनों ही एक्स गुणसूत्रों पर लिंग संलग्न रोगों के जीन पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में महिला उस रोग से ग्रसित होती है, अर्थात लिंग संलग्न रोगी होती है। परंतु जब महिला के दोनों ही एक्स गुणसूत्रों में लिंग संलग्न रोगों के जीन अनुपस्थित होते हैं तब ऐसी महिला सामान्य होती है, ठीक है। तो इस प्रकार हीमोफीलिया रोगों के जीन हमेशा एक्स गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। इसी कारण सदैव पुरुष लिंग संलग्न रोगी हो सकते हैं जीन उपस्थित होने पर, और महिला लिंग संलग्न रोगी तथा वाहक दोनों हो सकती है। वो जीनों की उपस्थिति पर निर्भर करती जो कि सदैव अनुवांशिक रूप से किसी मानव में आती है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए अगला वीडियो का इंतज़ार करेंगे, और अगला वीडियो देखकर आगे की जानकारी जरूर प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।